आपसी अंतर्कलह झेल रही कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने जुटी है, जिसके चलते हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पद अधिकारी, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान एक निष्कासित नेता और विधायक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर नई रणनीति पर मंथन किया गया। देखिए, ये तो सबसे पहले जो उदयपुर में नव संकल्प शिविर हुआ था और उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर पे, अब जिला स्तर पे ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। चिंतन की आवश्यकता है, जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है, इसको जोड़ने में, इस पर गहन विचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है। और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पर राजनीति,